सो नमस्कार एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ड्रीम इलेवन नंबर वन टीम बेंगलुरु वर्सेस एमआई के मैचेस में, यानी अगले मैचेस में बेंगलुरु और एमआई के मैचेस में नंबर वन टीम ड्रीम इलेवन टीम कैसे बना सकते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम प्रिडिक्ट करने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊंगा सारे प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स, परफॉर्मेंस, स्ट्राइक रेट्स एंड पिछले परफॉर्मेंस, यानी कि किसके खिलाफ कितना अच्छा रन्स बनाए थे। तो इस वीडियो में बस यही सब आपको दिखाने वाला हूं उनकी परफॉर्मेंस के बारे में, और साथ ही साथ मैं अपनी बेस्ट प्लेइंग इलेवन टीम बना के दिखाऊंगा आपको। चाहे तो आप मेरे जैसे बना सकते हैं, चाहे फिर अपने जैसे बना सकते हैं, यानी कि आपको परफॉर्मेंस के बारे में पता होगा तो आप चाहे जिसे सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए कि कौन से प्लेयर किस नंबर पे, यानी किस पोजीशन पे बैटिंग करने या बॉलिंग करने आता है, तो हम आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से बता देंगे। बस इस वीडियो को आप पूरा वॉच कर लीजिए। तो चलिए हम वीडियो को करते हैं शुरू, और उससे पहले दोस्तों बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ऐसे और भी प्रिडिक्शन आप तक सबसे पहले पहुँच सके और आप एक बेस्ट प्लेइंग इलेवन लगा सकें और ड्रीम इलेवन में नंबर वन रैंक ला सकें और साथ ही साथ करोड़ों जीत सकते हैं। तो बस इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। तो सबसे पहले हम इन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस देखेंगे, यानी पिछले परफॉर्मेंस। तो बात करते हैं सबसे पहले बेंगलुरु की। तो बेंगलुरु में यहाँ पर विराट कोहली, देवदत्त पाटकल काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस, अगले मैचेस में तो विराट कोहली ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया था, लेकिन पिछले मैच में जो कि हुआ था यहाँ पर चेन्नई के विरुद्ध, तो यहाँ पर 53 रन यहाँ पर बनाए थे, तो काफ़ी अच्छा पॉइंट्स देखे गए थे। साथ ही साथ देवदत्त पाटकल तो दोनों मैचेस में चले हुए थे, तो 70 यहाँ पर पॉइंट्स दिए थे। तो बात करते हैं हम यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छे चले, बाकी यहाँ पर अदर्स प्लेयर्स यहाँ पर नहीं चल रहे हैं। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर नहीं चल रहे हैं बेंगलुरु के। तो बात करते हैं यहाँ पर इनके बॉलर्स की। तो बॉलर्स में यहाँ पर हर्षद पटेल काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और साथ ही साथ ग्लेन मैक्सवेल ने भी एक विकेट लिया था, बाकी कोई इनके बॉलर्स को काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिए। तो बात करते हैं यहाँ पर, अब हमने यहाँ पर इनका स्क्वाड देख लिया, यानी कि इनके रिकॉर्ड देख लिए। साथ ही साथ अब हम बात करेंगे जो कि मुकाबला एमआई से, तो हम एमआई के प्लेयर्स के भी परफॉर्मेंस देखने वाले हैं। तो एमआई के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो रोहित शर्मा ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, बट स्ट्राइक रेट इनकी लो थी, 30 गेंदों पर 33 रन, जो कि टी20 के मुकाबले से कोई अच्छा नंबर नहीं है, यानी कि रन नहीं है। तो बस अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको किसको सेलेक्ट करना है, तो रोहित शर्मा को तो मैं लेने ही वाला हूँ। साथ ही साथ क्विंटन डिकॉक की अच्छी परफॉर्मेंस रहा है, तो क्विंटन डिकॉक को अपने मैच में मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ। तो बात करें सूर्य कुमार यादव ने यहाँ पर दो मैचेस अभी हाल ही में खेले हैं, और यहाँ पर काफ़ी कोई अच्छा परफॉर्मेंस इनका नहीं रहा है, तो सूर्य कुमार यादव को आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सूर्य कुमार यादव को अपनी टीम में रखने वाला हूँ। साथ ही साथ इनके बॉलर्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो बाकी बॉलर्स की भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वन बॉलर जो कि है बुमराह, जो कि पिछले मैच और अगले मैच दोनों में यहाँ पर विकेट चटकाएं, यानी कि 3 विकेट 2 विकेट यहाँ पर जसप्रीत बुमराह ने चटकाएं। तो बस आपको करना क्या है कि मैं अब आपको अपनी ड्रीम इलेवन बना के दिखाता हूँ। तो बस आपको करना क्या है कि सिंपल, अब मैं आ जाता हूँ अपने ड्रीम इलेवन ऐप में, और ड्रीम इलेवन ऐप में अब यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं अपनी बेस्ट प्लेइंग इलेवन। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पर हर प्लेयर के रिकॉर्ड देखने की। तो देखिए यहाँ पर बस टैप करी रही है ड्रीम इलेवन में, यहाँ पर पिछले मैचेस के सारे पॉइंट्स रिकॉर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि फैंटेसी पॉइंट्स रिकॉर्ड्स देखने को मिलेंगे। तो इनकी बात करते हैं डिविलियर्स की, तो यहाँ पर एमआई के खिलाफ इनके पॉइंट्स की बात करें तो एमआई के खिलाफ यहाँ पर 84 पॉइंट्स दिए थे 9 अप्रैल, यानी कि जो मैच रुक गया था उससे पहले जो एक मैच हो चुका था एमआई के साथ बेंगलुरु का, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था एवी डिविलियर्स का, तो मैं एवी डिविलियर्स को यहाँ पर रखने वाला हूँ अपनी टीम में। साथ ही साथ क्विंटन डिकॉक को मैं मुकाबले के, और साथ ही साथ यहाँ पर बेंगलुरु के खिलाफ की बात करें तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, यानी कि बेंगलुरु के खिलाफ इन्होंने खेला ही नहीं था, तो फिर भी मैं इनके पिछले रिकॉर्ड्स को देखकर यहाँ पर रखने वाला हूँ। साथ ही साथ ईशान किशन को आप रख सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें नहीं रखने वाला अपनी टीम में। इनके परफॉर्मेंस चौथे से पाँचवें नंबर पर ही आने वाले हैं, तो शायद ना भी बैटिंग आए क्योंकि अच्छी परफॉर्मेंस करने वाले हैं ऐसा लगता है रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव, साथ ही साथ यहाँ पर क्विंटन डिकॉक। तो मैं यहाँ पर रोहित शर्मा को तो बेफिक्र होकर लेने वाला हूँ, इनके आप रिकॉर्ड्स भी देख सकते हैं। विराट कोहली को आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मैं ग्लेन मैक्सवेल को यहाँ पर रखने वाला हूँ इनके पिछले रिकॉर्ड्स को देखते हुए 56 पॉइंट्स, और सूर्य कुमार यादव को यहाँ पर बेंगलुरु के रिकॉर्ड्स देखते हैं तो बेंगलुरु के खिलाफ भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, तो मैं बेंगलुरु के खिलाफ इनके यहाँ पर परफॉर्मेंस देखते हुए इनको सेलेक्ट करता हूँ। देवदत्त पाटकल की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर इनकी बात करें तो एमआई के खिलाफ इन्होंने नहीं खेला था, फिर भी मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ इनके पिछले रिकॉर्ड्स, जो कि इन्होंने 2 मैचेस में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, बट फिर भी बेंगलुरु हारी, तो वो तो बात की बात है, हारी तो हारी वो बात की बात है। फिर यहाँ पर हसरंगा की बात करें तो इन्होंने कोई मैचेस नहीं खेले थे, फिर भी हसरंगा काफ़ी अच्छे प्लेयर्स है, ऑलराउंडर है, काफ़ी अच्छा रन बनाते हैं। मैंने इन्हें श्रीलंका की टीम से खेलते हुए देखा था, जो कि टीम इंडिया जब गई थी तो काफ़ी यहाँ पर तंग किया था टीम इंडिया के प्लेयर्स को, तो यहाँ पर सब गए थे, यहाँ पर सूर्य कुमार यादव एंड ईशान किशन ऐसे प्लेयर्स गए थे, तो इन्होंने उन्हें आउट भी किया था, तो मैं इन्हें रखने वाला हूँ।
और साथ ही साथ बात करते हैं, हमें चार प्लेयर बचे हैं तो मैं चारों के चारों यहाँ पर बॉलर लेने वाला हूँ। तो परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो हर्षद पटेल के MI के खिलाफ अगर परफॉर्मेंस देखते हैं तो 175 पॉइंट दिए थे भाई साहब, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स है 175, यानी कारण इन्हें कैप्टन बना देते तो जीत जाते, तो अभी के लिए मैं इन्हें रखने वाला हूँ। उसके बाद बात करते हैं तो मैं यहाँ पर जसप्रीत बुमराह को सिलेक्ट करने वाला हूँ। अब दो बॉलर और हमें लेने हैं, तो राहुल चहर की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है बेंगलुरु के खिलाफ, तो मैं इन्हें भी ले लेता हूँ। तो बेंगलुरु के खिलाफ इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया था, तो फिर भी मैं इन्हें रख सकता हूँ। और उसके बाद बात करते हैं, हमें एक और लेना है तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक और बॉलर, जिसको मैं लेने वाला हूँ नवदीप सैनी को। तो उसके बाद कंटिन्यू पर मैं सिंपल क्लिक करता हूँ और अपने कैप्टन वाइस कैप्टन यहाँ पर चूज करता हूँ। सबसे मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट्स आपका यही आता है कि आप कैप्टन किसे बनाएंगे, वाइस कैप्टन किसे बनाएंगे। तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए प्लेयर्स के रैंकिंग के बारे में, यानी कि प्लेयर्स की पोजीशन के बारे में, किस पोजीशन पर बॉलिंग करता है, कौन प्लेयर्स कितना ज़्यादा ओवर डालता है और कौन प्लेयर्स किस पोजीशन पर बैटिंग करने आता है। तो देखते हैं यहाँ पर तीसरे नंबर पर डिविलियर्स, चौथे नंबर पर आते हैं, कभी कभी तीसरे नंबर पर भी आ जाते हैं, लेकिन इस समय इस टाइम तीसरे नंबर पर ग्लेन मैक्सवेल आते हैं। तो मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ, कैप्टन की बात करूँ तो मैं सूर्य कुमार यादव को बनाने वाला हूँ, जो कि तीसरे नंबर पर थर्ड पोजीशन पर सूर्य कुमार आते हैं। उसके बाद यहाँ पर वाइस कैप्टन की बात करूँ तो वाइस कैप्टन की बात करते हैं तो वाइस कैप्टन मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ देवदत्त पाटीकर या फिर ग्लेन मैक्सवेल को। तो मैं यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल को बनाने वाला हूँ, जो कि ये भी थर्ड नंबर पर आते हैं। उसके बाद सिंपल स्टेप पर क्लिक कर दीजिए, यानी कि उसके बाद मैं अपने मैचेस लगा लेता हूँ जो भी मुझे लगाने हैं, तो मैं यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद अपनी टीम को देख लेते हैं, टीम को देखने के बाद ये रहे मेरी बेस्ट प्लेइंग 11। आप इस तरह लगा सकते हैं MI वर्सेस बेंगलुरु के मैच, आप चाहे तो अपने कैप्टन वाइस कैप्टन बदल सकते हैं, चाहे तो आप 5 से 6 यहाँ पर रख सकते हैं बैट्समैन और 2-3 ही यहाँ पर आप बॉलर रख सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कम से कम इतना प्लेयर्स रखें। और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा मैंने टीम बनाया हुआ है, बाकी परफॉर्मेंस देखते हुए मैंने ये सारी टीम को सिलेक्ट किया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।